जो कि बेबी पिंक कलर का है। और जल्दी गाइज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, इट्स दीप्सा भट्ट व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आज है वोटिंग का दिन, उत्तराखंड में आज वोट है, मतलब इलेक्शन है, तो वोट करने सब लोग जा रहे हैं, बट हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि दी हस्बैंड की ना इलेक्शन की ड्यूटी है, तो इस बार हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ, फैमिली से दो वोट हमारे कम हो गए, मेरे और दीपक के। तो और आज मैंने ना देखी साड़ी पहनी है, मतलब कोई वैलेंटाइन डे के दिन साड़ी पहन सकता है? नहीं, बट मैंने पहनी है क्योंकि हस्बैंड मेरे मतलब सुबह से पीछे पड़े हैं कि आप साड़ी रोज, आज साड़ी पहनो, रोज़ कुर्ती सूट डालते हो, पजामा लोअर वगैरह पहनते हो, आज साड़ी पहनो, थोड़ा यूनिक दिखनी चाहिए। मतलब मन तो मेरा था नहीं क्योंकि ना सुबह एकदम बिल्कुल कोहरा भी लगा था यहाँ पहाड़ों में, धूप लग रहा था कि चांसेस हैं धूप के, बट मेरा ये कंडीशन था कि अगर धूप आएगी तो ही मैं पहनूंगी। तो फाइनली धूप भी आ गई तो मैंने पहन ली, और ये बस एक सिंपल सी मैंने एक जो डेली यूज़ वाली होती है ना वो मैंने पहनी है, क्योंकि ज़्यादा यार मेरे को नहीं हो पाता, मतलब कैरी में ढंग से नहीं कर पाती हूँ। और साथ में फिर अब जब साड़ी पहनी है तो मैं सोच रही हूँ कि बैंगल वैंगल भी पहन लूँ, तो मैंने ये चूड़ियाँ भी पहन ली है, मिक्स एंड मैच करके पहनी है, वैसे इसकी है नहीं, ये सब कुछ मिक्स करके पहना है मैंने। और वोट का तो चलो हो गया, हम नहीं दे पाएंगे, और क्या कहते हैं साथ में है वैलेंटाइन, तो आप सबको विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आप सब लोग का कैसा वैलेंटाइन डे जा रहा है मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? मेरा तो आज कैजुअली जैसे दिन जाता है ना रोज़ वैसे जाने वाला है, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला नहीं होने वाला है। एक तो हस्बैंड की ड्यूटी लगी हुई है, ऊपर से ना फिर कहीं बाहर भी जाना नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन के वजह से ना, तो कहीं बाहर बाहर जाने का प्लान हम लोग का नहीं है, घर में ही जैसे रहता है डे हर दिन का वैसे ही मेरा जाने वाला है। हाँ, वैसे सोचा था कि हम लोग शायद बाहर डिनर करने जाएँ रात में, लेकिन अभी ना मतलब वो भी बंद रहेगा रेस्टोरेंट वगैरह, तो शायद वहाँ भी ना जाएँ, तो देखते हैं घर में क्या बन सकता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज के दिन एक मतलब खुशी भी है तो कहीं पे दुख भी ऐसा आज के दिन है, क्योंकि वो घटना हमें ना हमेशा याद रहती है जो 2019 में हुई थी 14 फरवरी के दिन, जिसको ब्लैक डे के नाम से आप सब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, पुलवामा जो अटैक हुआ था आज। तो कहीं ना मतलब 14 फरवरी एक मतलब एक प्यार भरा वो होता है, एक दिन होता है सबके लिए, बट इस दिन एक ऐसा घटना भी घटा था जो ना जिसको हम भूल नहीं सकते, जो कहीं ना कहीं हमारे जहन में याद आ ही जाता है, तो वो दिन भी है तो उसके लिए थोड़ा सैड भी है, जिसमें पुलवामा अटैक में आपको पता है 40 सोल्जर जो है जिनकी डेथ हो गई थी, तो थोड़ा वैसा भी है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं टॉपिक पे और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी छत से नीचे आई हूँ और 4 भी बज गए चाय बनाने के लिए अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो पहले मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद मेरे बाकी के काम रहेंगे। चाय हम लोगों ने पी ली है, 4:30 भी हो गया है। बैलून वगैरह से थोड़ा रूम मतलब जहाँ पे हम लोग केक कट करेंगे थोड़ा हम डेकोरेट कर देते हैं, तो बैलून लेके आए हैं कल हम केक के साथ ही, ये रेड कलर के, तो यही हम थोड़ा बहुत लगाएंगे। तो मशीन निकाल दिए, दिखाती हूँ मैं आपको। और पतिदेव भी आ गए, इनकी इनका जो आज इलेक्शन का काम था वो खत्म हो चुका है, तो ये भी आ गए, विश कर दो सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, तो हम लोगों को भी गिफ्ट कर दो। गिफ्ट में जो लेके आती हूँ, जो मैं लेके आई हूँ गिफ्ट इनके लिए, वो भी निकालते हो, अलमीरा पे रखा हुआ है। और जो मैंने गिफ्ट दिया है निशा को, वो तो दिखाई दिया होगा निशा ने। हाँ नहीं, वो भी दिखाया नहीं, दिखाती हूँ। और पता है मुझे पता क्या दे रहे, बहुत यूनिक चीज है, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा गिफ्ट भी कोई दे सकता है हस्बैंड। दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है वो, दिखाती हूँ। ये रहा, ये बैलून लेके आए हैं, ये बोल रहे हैं कि इस बार का गिफ्ट आपका यही है, मेरे बैलून। हम निशा का देखते हैं कैसा गिफ्ट। हाँ मेरा है, मैं दिखाती हूँ, मतलब इससे तो अच्छा है यार, मतलब इतना ऐसा भी है, इससे अच्छा है ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब किसी को मिला है ऐसा गिफ्ट मुझे बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में, कि किसी को हस्बैंड ने प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि मिला है ऐसा। मिला ही नहीं होगा। ओहो, चलो मैं बताती, मेरा बहुत यूनिक गिफ्ट है, मैं सोच नहीं सकती थी। हैप्पी वैलेंटाइन डे, सेम टू यू, थैंक यू। बैलून तो हमने फुला लिए, अब इसको सोच रहे हैं ना बॉल पे लगा दे, ज्यादा नहीं फुलाएं, थोड़े बहुत ही है, मतलब 15 करीब होंगे, ज्यादा नहीं फुलाएं क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि उस दिन थोड़ा ज्यादा करूँ, इस
जैसे अभी हल्का फुल्का सही कर दिया है इनको, यहाँ वाले वॉल में लगा, कहाँ पे लगा, हाँ इस वॉल में लगा देते हैं। बैलून लगा दिए हस्बैंड ने सारे जितने हमने फुलाए थे, और यहाँ पे एक बैलून सॉरी रोज़ भी दिख रहा है, वो भी हस्बैंड ने ऐसे बीच में लगा दिए दिल बना के उसके बीच में। तो फ्रेंड्स मैं ना तैयार होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है, बस कुछ नहीं, हल्का सा गाउन डाला है रेड कलर का, और ये ऐसा है गाउन, देखिए एक कट कर लेते हैं। उससे पहले मैं हस्बैंड को देती हूँ गिफ्ट, वो अभी चेंज करने गए हैं, तो अब तक मैं केक में सोचू निकाल देती हूँ। बड़े नेल्स का ना ये फायदा होता है कि टेप जो है ना जल्दी निकल जाती है। तो ये है हमारा केक। अरे यार उसने वैलेंटाइन कुछ लिखा नहीं है, मैंने कहा था भैया को, शायद भूल गए, या तो भैया ने जो लिखा है ना वो पर्पल वाले क्रीम में लिखा है, तो मुझे देख नहीं रहा था, बट उन्होंने लिखा है फॉर माई वैलेंटाइन। तो ये है हमारा केक, लग रहा है ना प्यारा। तो चलिए इसे पहले कट करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तू झूठ बोल रहा, तुम्हें लायक हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, घर पे मैं ही रहती हूँ, तुम लेके कब आए मुझे बताओ। बहुत खुशी हो रही है यार, सही में। यार मैं तो बहुत छोटा किस लिए आई, फिर निशाने सोचा था यार, सही में Literally, मैंने यही सोचा था, इवन मैं कल से बोलने में होंगी गिफ्ट मेरा बैलून है, बैलून आओ यार, मैं तो बहुत छोटा है तुम्हारे सामने। तुम लेके कब आए यार, लेके कब आए? निशा मेरे से कह रही थी कि ये मेरे को यही गिफ्ट देंगे। यार मेरे को ना एक सेकंड, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पहले मुझे एक पिंच करो यहाँ पे। लेके कब आए, मैंने तो देखा ही नहीं। अब दिखाऊंगा बाद में, पहले यार अनबिलीवेबल, सही में बता रही, मेरा गिफ्ट बहुत छोटा सा हो गया। मेरे को अजीब सा लग रहा है कि मतलब मैंने एक सिंपल सा ही लिया था। चलो मैं एनिवर्सरी में अच्छा वाला गिफ्ट दे दूंगी, आने वाली है कमिंग सून 26 फेब, क्या बोलूँ, और गिफ्ट भी दो है, पता है मतलब ऐसा अच्छा वाला लग रहा है, क्या पता नहीं की जरूरत नहीं है, लगता रहा की कुछ अच्छा है बट पता नहीं क्या। पहले केक काटते हैं, फिर चलो हम पहले केक कट करते हैं, उसके बाद गिफ्ट भी ओपन करेंगे आपके सामने। तो स्टार्ट करें, हाथ में चिपक जाता है वो। निशा मेरे से कह रही सच में तुम कुछ नहीं दोगे। लाओ लाओ मतलब ला, ला, मुझे पता है मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है अब अपने गिफ्ट को देख के। हैप्पी वैलेंटाइन डे। केक भी अच्छा है, अच्छा हो रहा है, और दो थोड़ा थोड़ा और बड़े हो रहा है केक भी। एक सेकंड मैं खिला रही हूँ, केक भी बड़े हो रहा है। खुश हो रही हूँ ना, क्योंकि इवन कल नहीं आज दिन तक भी ये था, मैं से यही कह रही हूँ तुम मुझे सच में कुछ नहीं दे रहे हो इस बार, कुछ नहीं दे रहे हो, तो नहीं इस बार मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम दोगे मुझे। तो मुझे वैसे मन करा कि मैं नाच ही हूँ सच में, गिफ्ट मिल गया। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, इस बार दिया है मैं, ऐसा ना हो अगली बार भी निशा सोचे कुछ बोलती ही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ आ जाएगा, ऐसा लग रहा है उस बार कुछ नहीं दिया। नहीं वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, हमेशा बर्थडे में एनिवर्सरी में वैलेंटाइन जो भी छोटा मोटा होता रहता है मिलते रहते हैं कि, लेकिन ना इस बार तो बिल्कुल लिटरली मतलब आज दिन तक ये था, और आज मुझे विश्वास भी था कि नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि पूरा सब कुछ यहाँ बंद है, इलेक्शन थे इस वजह से, तो मुझे लगा इस बार मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये जो बैलून का पैकेट लेके आए हैं वही मेरा गिफ्ट है, बट थैंक यू, हैप्पी वैलेंटाइन डे, थैंक यू। बट है छोटा सा, लव यू टू, है छोटा सा बट बहुत सर्च करने के बाद मेरे को मिला है। चलो पहले मैं देखता हूँ, ठीक है, और मेरे काफी इमोशंस जुड़े हैं इसमें, मतलब हाँ लेट्स सी, काफी सर्च करने के बाद एक मुझे ये मिला छोटू सा गिफ्ट, मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं पता है कब से सर्च कर रही हूँ, एक महीना हो गया था उसके बावजूद भी, और वैसे मेरा कप वगैरह कुछ मग देने का मन नहीं था, तो मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट दूँ बट डिफरेंट कुछ मिला नहीं, लास्ट में मैंने ये दिया। ये रथ जैसा क्या है, रथ।
कॉफी होंगी या चॉकलेट्स होंगी। पहले इसको देख लो यार, दो दो गिफ्ट है मतलब। तो एक गिफ्ट ये है, पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, पता नहीं। वाव, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, एक चीज और है इसमें। क्या चीज? फॉर निशा, ठीक है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। और मेरा सेकंड गिफ्ट, सभी से ये लग रहा है। वाओ, अच्छा लग रहा है, लाइट पिंक कलर का। ओपन करके दिखा दी, बहुत प्यारा लग रहा है। वाओ, इसकी चुन्नी कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी, बेबी पिंक कलर में है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाती हूँ, और लेंथ भी इसकी शायद मतलब नीच से नीचे है। ये रहा मेरा सेकंड गिफ्ट, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है। इसको मैं बाद में सिलवाऊंगी। कहाँ से लिए? कहीं से लिया, बताओ। मतलब दराहट से लिया? मेरे को तो ऐसे दिखते ही नहीं दराहट में। बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। और अब मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।